हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्या कश्यप। आप सभी का मेरे डिकेड बिजनेस टाइप चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक सारे जगह देखा होगा कि अब मैं रंगोली क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी एकदम फ्री में यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने देखा होगा तब ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे आप। तो देखिए, आज का जो मेरा जो ये पहला वीडियो है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी रंगोली के बारे में, जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप रंगोली सीखने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रंगोली क्या होता है, कब और क्यों बनाया जाता है, एंड रंगोली के टाइप्स कितने होते हैं। तो इतनी ही चीज़ें मैं बताऊंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखते जाइएगा। अगर आपको रंगोली सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है या आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो एक लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप कोई से भी एज में हो, या बड़े हैं या बहुत ही छोटे हैं, तब भी आप रंगोली सीख सकते हैं। या आप अपने बच्चों को रंगोली सिखाना चाहते हैं, तो अभी के टाइम पे जो रंगोली है वो भी एक तरीके का करियर बना सकता है, एक तरीके से करियर इस पे भी है। अगर आप देखें तो अभी आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रंगोली चल रही है हर जगह पे, हर ओकेशंस पे, हर त्योहार्स पे, किसी भी छोटे बड़े प्रोग्राम्स पे रंगोली बनवाया जाता है। स्पेशली रंगोली के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उनको इतनी बड़ी रंगोली चाहिए, एंड उन ऑर्डर्स के लिए कॉस्ट भी होता है। मैं भी बहुत सारी जगहों पर रंगोली बनाने जाती हूँ। मैं अपना मेन जो है वो टॉपिक्स बताती हूँ। सबसे पहले रंगोली क्या होता है। तो हमारे देश में बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, जिसमें से एक जो हमारा ये रंगोली है, रंगोली जो आर्ट है, हमारा जो फॉर्म है, वो हमारे देश की एक पारंपरिक सांस्कृतिक लोक कला है, जो कि बहुत ही पुराने परंपरा वाइज चलते हुए यहाँ तक आया है। और का मतलब मैं बताऊँगी। नॉर्मली जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रंगोली का जो हम संधि विच्छेद कर देते हैं यहाँ पर, है ना, तो देखिए रंगोली, रंगों की गोली, तो ये जो है ना वो नॉर्मली रेत से वो बनती है। तो रेत जो है वो छोटी छोटी बारीक बारीक गोलियाँ होती है, है ना, और इस पर कलर्स मिलाई जाती है, तो यही से बनना हुआ है रंगोली, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा जो रंगोली है वो बनाया कैसे जाता है, मैं आपको बताती हूँ। जो रंगोली है, रेत जो होती है उससे बारीक बहुत ही फाइन स्क्रीनिंग की जाती है, छाना जाता है उसे, और देन उसके बाद उसमें कलर ऐड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और फिर उसे कलर ऐड करके बहुत टाइम तक उसे मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद हमारी रंगोली तैयार हो जाती है, जिसमें हम कोई सा भी आकृति बना सकते हैं, कोई सी भी डिज़ाइन, कोई सा भी पोर्ट्रेट, कुछ भी बना सकते हैं। और देखिए, अब कब और क्यों बनाया जाता है, शादी, पूजा या फिर कोई भी स्पेशली प्रोग्राम, और ये सभी चीज़ों पे आजकल रंगोली बनाया जाता है। डेकोरेशन के लिए भी बनाया जाता है, और साथ ही साथ हम जो है अपने भगवान हैं उनके स्वागत के लिए भी हम बनाते हैं। और इसका जो मेन फेस्टिवल होता है वो दिवाली। दिवाली में तो हर जगह, हर छोटे से बड़े घरों पर रंगोली बनती है। देखिए, हमारा जो देश है उसके शुरू से लेके आखिरी तक में बहुत टाइप्स की रंगोली बनते हैं। बहुत टाइप की मतलब रंगोली का फॉर्म बहुत मतलब वही होता है, बट उसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बदलते जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो रंगोली है वो डेली बनाए जाते हैं। सुबह उठकर अपने आंगन को, अपने घर के बाहर चौखट को साफ किया जाता है, एंड वहाँ पर रंगोली बनाया जाता है। और जो हमारी जो पुरानी पारंपरिक थिंकिंग जो है इसके पीछे, रंगोली बनाने के पीछे, वो ये है कि जो जब हम सुबह घर से बाहर जाते हैं, जब हम सुबह घर से बाहर जाते हैं तो हम एक कुछ शुभ चीज़ देख के जाएँ और कुछ अच्छी चीज़ देख के जाएँ, जिससे हमारा जो माइंड है
वो अच्छा रहे और हमारे दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी हो और हमारा जो पूरा दिन है वो हमारा अच्छा जाए। तो देखिए इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न हो गया। देखिए हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो भारत की संस्कृतियां हैं और परंपराएं हैं, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजंस होते हैं। तो देखिए अब कलर्स, हम जब कोई अच्छा कलर्स देखते हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, हमारे माइंड को सुकून मिलता है। वाह कितना अच्छा दिख रहा है। जब अगर आप बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं और वहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी होती तो आपको लगता है वाह कितना अच्छा है ना, आप भी सोचते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है और हमको बहुत अच्छा लगता है वहाँ घूमने में, हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो बस यही रीज़न है। तो अब मैं बता दूँ इसके जो मेन टाइप्स होते हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे देखे हैं रंगोलीज, तो सब जो है और बहुत सारे लोगों की मैंने सुने हैं कि कितने टाइप्स की कितनी वेराइटीज़ की होती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। देखिए इस पे कंफ्यूज मत होइए, मेघ जो है वो दो टाइप्स के ही होते हैं। अब दो टाइप्स में नॉर्मली पहला जो है वो हमारा होता है मुक्तहस्त रंगोली, जिसको हम फ्री हैंड कहते हैं। फ्री हैंड तो सबको ही जानते होंगे। मुक्त हस्त रंगोली होती है और एक होती है हमारी पारंपरिक रंगोली। तो अब मैं बता दूँ ये सिर्फ दो टाइप्स के ही होते हैं, ठीक है। तो मुक्त हस्त रंगोली क्या होती है, मुक्त हस्त मतलब फ्री, हस्त मतलब हैंड, है ना। तो जो हमारा जो ये हैंड होता है वो रंगोली बनाने के एकदम फ्री होता है, किसी भी शेप में कोई सी भी डिज़ाइन, हमें कोई पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं दिया जाता है, कोई सा भी शेप बनाने में कोई सा भी। हम देखिए जैसे कि हम किसी भी पशु पक्षी पे फ्लावर्स बना सकते हैं या उनको फ्लावर्स बैठा सकते हैं, मतलब हमारी जो थिंकिंग होती है वो फ्री होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन उल्टा सीधा सा कोई सा भी डिज़ाइन उसमें हम बना के उसे सुंदर बना सकते हैं। और पारंपरिक रंगोली, तो देखिए पहले मैं ये बता दूं कि मुक्त हस्त में जो रंगोलियाँ आती है, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पोर्ट्रेट स्टाइल जो फोटो जो किसी का फोटोज़ बनाया जाता है वो जो सारी जो होती है 3D लुक वाली टाइप्स की, वो जो है वो मुक्त हस्त में आती है। और जो बहुत सारे होते हैं जैसे गलीचा पैटर्न्स, जिसमें आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं एंड जैसे बहुत सारे जो आपने डिज़ाइन देखे होंगे जिसमें कहीं पर पिकॉक बना हुआ है, फिर उसके फ्लावर्स बने होते हैं, ये सारे जो डिज़ाइंस होते हैं वो मुक्त हस्त में आते हैं। जिसमें आप पोर्ट्रेट टाइप्स ले सकते हैं, नॉर्मली डिज़ाइन ले सकते हैं जिस पे आप कोई भी थिंकिंग डाल सकते हैं। और जैसे कि इसमें गलीचा पैटर्न जो रंगोली होती है वो भी आ जाती है ना। तो और फ्लावर्स, नॉर्मली हम फ्लावर्स बनाते हैं, पेड़ पौधे बना दिए, गमले बना दिए एंड कार्टून्स के जो पिक्चर्स वगैरह बना दिए हम, ये सारी चीज़ वो जो है वो हमारे फ्री हैंड रंगोली में आ जाता है। पारंपरिक में अब कौन कौन सा आता है मैं आपको बता दूँ। पारंपरिक सबसे पहले मैं बताऊँ पारंपरिक रंगोली किसे बोलते हैं, तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हमने फ्री हैंड को देखा वैसे ही पारंपरिक रंगोली जो हमारी जो परंपराएं हैं पुरानी उनसे चलती हुई आ रही हैं वो रंगोली को हम पारंपरिक रंगोली कहते हैं। हम इसमें डिज़ाइंस बदल सकते हैं, बट इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर शेप दे दिया जाता है, उस शेप को ही आपको बड़ा करते हुए आपकी रंगोली को बड़ी बनानी होती है और उस शेप के अंदर ही आपको डिज़ाइन बनाना होता है, उस शेप के बाहर ही, मतलब वो एक पर्टिकुलर शेप में होता है, ऐसा होता है रंगोली। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए आपको एक सर्कल, आप एक सर्कल पे रंगोली बना रहे हैं, देन उसके बाद और उससे बड़ा सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे या ऐसा टाइप सा, है ना। तो इसके अंदर जो रंगोली आती है वो होता है जैसे कि आपकी जो भारतीय संस्कार की रंगोली आती है वो हो जाएगी, एंड आपकी जो अल्पना चौक नॉर्मल चौक रंगोली एंड जो डॉट डॉट वाली जो रंगोली आती है, ये सारी जो रंगोली है वो इन सब के अंदर आती है, जो पर्टिकुलर एक शेप से बड़े होते जाती हैं ये रंगोली पारंपरिक रंगोली के अंदर आती है। तो इसे ज़्यादा पहले बहुत बार इसे जो है वो चावल के आटे को, चावल को भिगोकर पीसकर पानी में भिगोकर पीसकर उसका जो लिक्विड है वो बनाकर भी बनाया जाता है, बहुत तरीके से इसे बनाया जाता है, पर इसमें ज़्यादातर वाइट कलर का यूज़ होता है डिज़ाइंस देने में ना। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे रंगोलीज देखे होंगे, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होने वाला है ना कि कौन सा रंगोली कितने टाइप्स का होता है और क्या होता है।
आई होप कि आप लोगों को मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए भी नहीं। जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब मैं हमेशा कहती हूँ मेहनत करो एंड सब्र रखो, और जाते जाते ही एक लाइक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आप बताना ज़रूर कि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, या आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अभी के लिए फिर नमस्ते एंड बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।